J2022 के लिए मैं एक चेकलिस्ट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस चेकलिस्ट में मैं आपको चार पांच आइटम्स बताऊंगा। अगर आपने वो चारों पांचों आइटम्स टिक कर लिए तो आप अपने स्कोर को काफ़ी ज़्यादा 50 मार्क्स 60 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हो। ये सेम चेकलिस्ट मैं हर साल बताता हूँ, 2020 में भी बताई थी, 2021 में भी बताई थी और आपको भी आज मैं बता रहा हूँ, तो इसको प्लीज़ फॉलो करना। अगर आप मेरी एक वीडियो देखने वाले हो ना तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना एंड तक, तुम्हें सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा और काफ़ी अच्छी आपकी मार्क्स इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट के कि क्या वो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो चेकलिस्ट में आती है वो ये है कि यार अगर आपके लेट से कोई चैप्टर छूट गए, पहली बात चैप्टर छोड़ने हैं ही नहीं, आपको ट्राई करना है कि सब कुछ कवर करें, लेकिन इनएविटेबली सम ऑफ अस विल नॉट बी एबल टू डू ऑल द चैप्टर्स। हो सकता है किसी के 10 चैप्टर्स छूट जाए, हो सकता है किसी के 20 चैप्टर्स छूट जाए, हो सकता है किसी के 25 चैप्टर छूट जाए अक्रॉस द सिलेबस, राइट। अब आपने जो भी चैप्टर्स छोड़े हैं, मेरी बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इनके फॉर्मूले और अगर केमिस्ट्री है तो जो आपके रिएक्शंस होते हैं बस उनको एक बार याद करके चले जाओ। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ जाता है, स्पेशली जेई मेन में, और अगर सिंपल क्वेश्चन लेट्स से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ गया जो आपने नहीं पढ़ा क्योंकि आपको टफ लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सरल था कि अगर किसी ने केवल फॉर्मूले ही पढ़ लिए वो भी कर लेगा, तो आप तो बहुत बड़े डिसएडवांटेज में आ गए ना। तो केवल एक इस चीज़ को आप फॉलो करिए कि हर चैप्टर के अंदर भले ही आप उसको छोड़ के भी जा रहे हो, आपको हर एक फॉर्मूला हर एक रिएक्शन टिप्स पर होना चाहिए। इसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना, एकेडमी स्टेप पर फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है सारे बच्चों के लिए। ठीक है, कोई उसमें आपको कुछ पेमेंट, कोई एनरोलमेंट, कोई कुछ नहीं करनी है, ऐप पर जाओ सीधा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा शॉर्ट नोट्स वाला कोर्स, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना और आप उसमें सीधा एनरोल हो जाओ। उसमें सारे चैप्टर्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके बहुत ही प्यारे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे रिवीजन में भी काम आएंगे और ये जो मैं कह रहा हूँ उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो वो तो सबको ही लेना ही लेना चाहिए। ठीक है, लाखों बच्चे उनसे पढ़ चुके हैं और काफ़ी अच्छी रेटिंग उनकी रिव्यू रही है, तो उनको प्लीज़ पढ़ना। दूसरी रिक्वेस्ट जो मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि आपको NCERT एक बार रीड एटलीस्ट करके जाना है। मुझे पता है ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अब तक मैंने 2022 की जितनी भी वीडियोस बनाई होंगी, अगर किसी बच्चे ने 10 वीडियोस देखी है तो उसमें से 6 या 7 में मैं NCERT का नाम ले चुका हूँ, बिकॉज इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट। ओके, लोग कई बार क्या है कॉम्प्लेक्स चीज़ों के चक्कर में जो बेस है उसको भूल जाते हैं, तो आपको NCERT केमिस्ट्री की प्लीज़ रीड करनी ही करनी है। अगेन इट्स अ रिमाइंडर, आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। ओके, आपका सब कुछ अगर छूट रहा हो कोई बात नहीं, NCERT एक बार पढ़ के चले जाओ, स्पेशली केमिस्ट्री की। कोशिश करनी कि फिजिक्स की भी हम पढ़ के जाए, लेकिन एटलीस्ट केमिस्ट्री की आपको NCERT रीड करके जाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट लाइन टू लाइन उठा के आ जाता है। तीसरी रिक्वेस्ट जो मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स, 5 साल, ठीक है 2 साल नहीं बोल रहा हूँ, 3 साल नहीं बोल रहा हूँ, 5 साल के आपको एटलीस्ट उठाने हैं, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। ठीक है, ये 5 साल के पेपर्स आप जेई मेन के उठाइए, जितने भी कंडक्ट हुए हैं उन सबको बहुत ही शिद्दत से एक बार दे डालना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इनको आज ही करो, आप हो सके तो आप 2 हफ्ते पहले ही चालू कर सकते हो, 3 हफ्ते पहले एग्जाम के चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही शिद्दत से इनको एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इससे आपकी प्रैक्टिस वगैरह होगी और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार दिख जाएंगे कि कोई रिपीट हो जाए, ये इसलिए भी कि आपको लेटेस्ट किस तरह का जेई मेन में चल रहा है चीज़ें वो थोड़ी पता चलेंगी। एक तो है कि आप किसी और के एनालिसिस देख रहे हो, एक तो है कि आपने क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लिए, एक है कि पूरा टेस्ट आपने एक साथ दिया, आपको कई सारे ट्रेंड्स पता चलेंगे। ठीक है, जैसे ये केमिस्ट्री फ्रॉम NCERT वाला ट्रेंड जो रिसेंटली आया है, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में इवन फिजिक्स भी काफ़ी हद तक आपके NCERT बेस्ड है, इवन कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आने लग गए हैं, तो ये ट्रेंड्स हैं कुछ जो आपको धीरे धीरे दिखेंगे, राइट। तो उन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आप थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। चौथी टिप जो मेरी तरफ से रहेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना सारा जो पढ़ाई है कोशिश करनी है कि वो सेकंड लास्ट वीक में निपटा दो। ठीक है, लास्ट वीक पे चीज़ें नहीं छोड़नी, क्योंकि लास्ट वीक जो होता है वो प्रिपरेटरी फेज एक रहता है, जब आप अपनी चीज़ों को फाइनल टचेस दे रहे होते हो, जब आप अपनी थोड़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़े ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो एग्जाम के लिए, थोड़ी आप CBT बेस्ड कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, भाई इंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, थोड़ा अपने आपको काम डाउन कर रहे हो, थोड़ा अपने फ्रेंड्स या टीचर से बातें कर रहे हो, थोड़ा अपने पेरेंट्स से बातें कर रहे हो, इनमें जाता है आपका कहना कि लास्ट वीक या एटलीस्ट लास्ट के 3-4 दिन तो जाते ही जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले या एटलीस्ट 3-4 दिन पहले आपका जो भी जो आपको करना है फिनिश करके एक बार स्वाहा खत्म करो। ठीक है, लास्ट में ड्रामा नहीं करना है किसी को भी कि एग्ज़ाम के दिन देखते हो ना वो होता है कि एग्ज़ाम के दिन बाइक पे पापा बाइक चला रहे हैं, पीछे ऐसे ये किताब खोल के बैठ गए बंदे, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, उससे केवल स्ट्रेस बढ़ता है, उससे किसी की रैंक नहीं आई है। किसी भी प्रकार की अनहोनी या नेगेटिव चीज़ से अपने आप को आपको इस पीरियड में स्पेशली लास्ट का 1 हफ्ता 1 महीना जो बचेगा, वैसे ये बात मैं लास्ट में रिवाइज करा दूंगा आपको, ठीक है यही बात मैं 1 महीने बाद और बना दूंगा इस तरह का कुछ,
ताकि आप लोग और याद आ जाए बातें। लेकिन अभी भी मैं बता देता हूँ आपको कि आपके जो लास्ट का पीरियड है इसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और इन तरह की कोई भी चीज़ जो नेगेटिविटी ला सकती है आपकी प्रिपरेशन, उससे बहुत ज़्यादा दूर रहना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई स्पिरिचुअल विरिचुअल बात भी नहीं कर रहा, मैं बहुत ही सिंपल बातें कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोशिश करें हो तो अभी आप ट्रैवल से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ही जैसे थोड़े दिन बाद जाइए, आज हाइकिंग पे चले गए, माउंटेन पे चले गए, है ना, या कहीं किसी नदी वदी में चले गए। क्योंकि देखिए मैं चाहता नहीं किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जब आपका कोई इस तरह का मेजर इवेंट होता है ना, तभी हादसे वगैरह और ज़्यादा होते हैं। आप देखिएगा कभी भी कि जब आप कोई चीज़ आपके साथ बड़ी होने वाली होती है ना, तब आपका आपको अपने आप की बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ती है, ठीक है। तो अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट आप खेल रहे हो, किसी भी तरह की आपकी इंजरी के आसार, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा फूड आप खा रहे हो जो जिससे समझ लो कि ना, तो इससे आपका एग्जामिनेशन भी अफेक्ट हो सकता है कि अगर लास्ट टाइम में आपके साथ ऐसा कुछ हो गया। और साथ ही में अगर आप लेट से बीमार पड़ गए अभी और आपके 3 या 4 दिन चले गए, 3 या 4 दिन तो बहुत ही नॉर्मल बीमारी का होता है, तो 3 या 4 दिन अभी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन अ सिलेक्शन एंड नॉट अ सिलेक्शन, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। कोई भी ऐसी मेमोरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी लाए कि अरे यार आई एम नॉट कैपेबल, या आपका टाइम थोड़ा नेगेटिविटी में स्पेंड हो जाए, आई थिंक दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। ना उससे आपका दिमाग का स्टेट भी खराब होगा और साथ ही में आपका समय भी थोड़ा सा बिगड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रहो, अपने अच्छे रिजल्ट्स को याद करो। कभी ना कभी ऐसा होगा ना जब तुम क्लास में अच्छा परफॉर्म किए होगे कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, टेंथ रैंक, जितनी भी तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस को याद करो कि मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर कब आए थे, ऐसा क्या किया था कि आए थे, वो करो, ठीक है। छोटे हो गए तब कुछ ना कुछ प्राइस, कुछ ना कुछ जीता होगा ना, कुछ तो किया होगा तुमने, कोई डिबेट जीत गया, कोई डांसिंग कॉम्पिटिशन जीत गए, कोई आर्ट कॉम्पिटिशन जीत गए, कभी क्लास में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट रैंक जैसी भी आ गई, उसको याद करो कि यार उस समय कैसा लगा था। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश दो। आई नो ये काफ़ी एक ऐसा पॉइंट है, इसोटेरिक पॉइंट है, लेकिन आई थिंक दीज थिंग्स डू मैटर अलॉट और इनके आप इन पर आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या बोला। पहला मैंने आपको ये बोला कि आपको कोशिश करनी कि सारी चीज़ें आपके टिप्स पर हो, इवन अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है। इसको करने का बेस्ट तरीका है अकेडमिक्स के फ्री शॉर्ट नोट्स, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप पर उसको देख सकते हो। वहाँ पे हमारे 2022 के कोर्सेज भी हैं, उनको तो आपको देखना ही चाहिए, उन पे ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं, सो यू माइट फाइंड इट हेल्पफुल। तो वो भी एक बार देख लेना, और नोट्स तो सबको ही देखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, फटाफट से तुम्हें मिल जाएगा। सेकंड बात मैंने आपको ये बोली कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करनी है आपको। थर्ड बात मैंने आपको ये बोली कि पिछले 5 साल के पीवाईक्यू सारे के सारे आपको अच्छे से बैठ कर लगाने, ठीक है, और टाइमिंग दे के 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का दो, और एकदम ऐसे प्रिपेयर करो कि एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हो। आपको कंप्यूटर बेस्ड मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो उसके उसके ऊपर आप दे सकते हैं। चौथी बात मैंने आपको ये बोली कि आपको अपनी जो भी प्रिपरेशन करनी है वो सेकंड लास्ट वीक तक आप निपटा दीजिए, उसके बाद ना छोड़िए कि क्योंकि लास्ट के 3-4 दिन एटलीस्ट आपके यूज़ होते हैं बाकी चीज़ों में, रैप अप करने में, बहुत चीज़ों में चले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में बहुत सारी तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पहले ही अपना सारा सब जो करना है, जितना भी आपका टारगेट है, जितने भी नंबर का टारगेट, जितना भी सिलेबस का टारगेट लेके चलो, पहले ही कर डालना है, ठीक है। लास्ट एडवाइस जो रहेगी कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बहुत ज़्यादा दूर रहें। आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट कर सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इल कर सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मेंटल स्टेट को हार्म कर सकती है, इनसे आपको दूर रहना है और अपोजिट चीज़ों को आपको एम्ब्रेस करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अकेडमिक्स के नोट्स पक्का सबको लेने ही लेने हैं, ठीक है। ये तो मैं फोर्स करूंगा, कोर्सेज में फिर भी यार चलो ठीक है, सब पेमेंट नहीं करना चाहते मैं समझता हूँ, लेकिन नोट्स तो सबको ही लेने। अगर तुम इस चैनल पे सब्सक्राइबर हो और तुमने वो नोट्स नहीं लिए, भाई तुम बहुत बड़ी चीज़ पे मिस कर रहे हो। उन्होंने काफ़ी बच्चों को हेल्प किया है, ठीक है, तो उनको चेक करना ही करना। तुम्हें पसंद नहीं आया चेक करके कोई बात नहीं, मत देखना, लेकिन तुम्हें चेक तो करने ही करने हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके, है ना। गुड लक, ऑल द बेस्ट।